टेरेस जो है हमारा वो भी कलर होने वाला है। ये इसकी करंट सिचुएशन है और इसमें मैं यही वाला कलर करवाऊंगी क्योंकि मुझे लाइट कलर बहुत पसंद है, एक डार्क और लाइट कलर। तो भाई आ गए हैं, अभी ये स्टार्ट करेंगे। ये देखें ये क्या हाल किया हुआ है दीवारों का, ये क्या हाल हुआ हुआ है। बच्चों वाले घरों में शायद ऐसा ही होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद सानिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा गाइस, बहुत देर बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बालकनी का आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि क्या हाल था, फिर मैंने उसको पेंट करवाया और मैंने सोचा कि बहुत प्यारी जगह बनी हुई है, इसको क्यों ना थोड़ा सा डेकोरेट किया जाए। और मैंने ये एक स्विंग ऑर्डर किया था नेट से, मैं पेज टैग कर दूंगी। और बहुत ही प्यारा था, तुर्किश ये थ्रेड से बना हुआ था। तकरीबन एक महीना पहले मैंने इसको ऑर्डर किया था और काफ़ी मज़बूत था ये। महीने के वेट करने के बाद जब मुझे ये रिसीव हुआ तो फिर मैं इसको लगवा रही थी। और ये जनाब जो कारीगर हमने मंगवाया था, सुभान अल्लाह, एक तो ये आए बहुत ज़्यादा लेट थे, तकरीबन मगरिब का टाइम हो रहा था और काफ़ी मुश्किल से इनसे ये स्विंग लगा था। व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। पता चले खराब लगा दो और ठा नीचे गिरे हो हम, ऐसे तो नहीं होता है। तो लग ही नहीं रहे, क्यों नहीं लगते पे? नहीं ये प्लास्टिक का धुन, लकड़ी क्यों धोना पे? आखिर 2 घंटे की मेहनत के बाद भाई साहब ने झूला लगा ही लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मुझे तो लग रहा था आज रात ये काम नहीं होना। सो गाइस, सबसे पहले मम्मा बैठी और मम्मा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी झूले पे, सबसे पहले मम्मा ही बैठी थी और अलाया भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी, बहुत प्यारा लग रहा था। मैं इनका पेज वगैरह टैग कर रही हूँ, लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, मेरा रेफरेंस दे देना, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा था और अभी मैं प्लांट्स वगैरह लगाने लगी हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि वॉल भी डेकोरेट करूँगी पीछे ना, लेकिन मुझे प्लांट्स नहीं थे मिले, जो मैं चाह रही थी बेसिकली वो नहीं थे मुझे मिल रहे। फिर मैंने जो बड़े वाले प्लांट्स होते हैं वही ले लिए थे। तो ये पीछे आपको दीवार साइड पर जो नज़र आ रही है ना, वहाँ मैं सोची थी कि छोटे छोटे से वॉल प्लांट्स जो होते हैं ना, लेकिन मैंने हर जगह सर्च किए, मुझे नहीं मिले। अगर आप लोगों को पता है कहाँ से मिलेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने ये एक छोटा सा कलीन नीचे डाल दिया और इसके ऊपर झूला बहुत अच्छा लग रहा था। लाया ने काफ़ी हेल्प की और सारे जो हम लोगों ने प्लांट्स थे वो इसके पीछे ला के रख दिए। सो गाइज़, व्लॉग अच्छा लगा और इस तरह के और छोटे छोटे व्लॉग मैंने बनाए हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बहुत ज़्यादा तो मैंने डेकोरेट नहीं किया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा लग रहा था ना। आगे सर्दियां आ रही थी और इधर इतनी प्यारी धूप आती है ना इस हिस्से में,
बंदा आराम सुकून से इधर बैठ के चाय पी सकता है, एंजॉय कर सकता है।